दोस्तों नमस्कार, निशान टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं निशान मैग्नेट पेट्रोल टर्बो इंजन गाड़ी के इंजन रूम के बारे में। जो भी बोनट के नीचे आपको मिलेगा, इंजन रूम पर मिलेगा, उस चीज़ की वीडियो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मतलब जो भी है वो मैं आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस तरफ से चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए, गाड़ी का शॉक एब्जॉर्बर हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये कूलेंट बोतल कैप है, कूलेंट बोतल हो गई, कैनेस्टर बोतल होता है, एंड इसके बाद ये हो गया ब्रेक फ्लूड कैप, ठीक है। एंड इसके ऊपर जो ब्रेक, इसमें अंदर हम डालते हैं डॉट फोर ब्रेक ऑयल फ्लूड जो डालते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर इसका ये सेंसर है फ्रेंड्स, ब्रेक फ्लूड वाला, ठीक है। अगर इससे नीचे ब्रेक फ्लूड चला जाता है तो इस मतलब इस सेंसर पर ब्रेक फ्लूड नहीं लगता है तो क्लस्टर मीटर के अंदर लाइट आ जाती है ब्रेक फ्लूड की। एंड यहाँ देखिए, ये ब्रेक मास्टर सिलेंडर है, ठीक है। एंड ब्रेक मास्टर सिलेंडर से पाइप जा रहे हैं नीचे की साइड में, आप देखना होगा ध्यान से, आप देखो फ्रेंड्स, मैं दिखाता हूँ ज़रा एक मिनट को। यहाँ पर ये जो पाइप लगा हुआ है ना, ये देखो चार पाइप निकल रहे हैं इसमें से, तो चारों पाइप ऐसे घूमते हुए ना आगे से, वो देख रहे हो पाइप, वो इधर आगे जाके ना यहाँ ये जो टर्बो पाइप लगा, टर्बो कह रहा हूँ, ये ABS मॉड्यूल लगा हुआ है, इसमें आके लगे हैं, ठीक है। इसके बाद ही चारों पाइप अलग अलग टायर्स पे जा रहे हैं, ठीक है। एंड ये है अपनी ABS मोटर, ठीक है फ्रेंड्स। एंड इसके बाद है दोस्तों, ये देखिए ऊपर वाला अपस्ट्रीम ऑटो सेंसर है ना। एंड ये है गाड़ी का टर्बो, ठीक है। टर्बो के ऊपर ये पाइप लगा हुआ है ना, और यहाँ पर देखिए टर्बो आके यहाँ लग, पाइप यहाँ चला गया, सीधा ये पाइप जाता है अपनी गाड़ी के इंटरकूलर में। यहाँ देखिए इसका इंटरकूलर है ये, ठीक है। एंड इसकी भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा टर्बो की, एक टर्बो अलग से निकाल के रखूंगा, आपको अच्छे से बताऊंगा वो किस पे काम करता है और उसकी क्या फ़ायदा है गाड़ी के अंदर, ठीक है ना। एंड ये डिपस्टिक गेज हो गया अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल लेवल चेक करने के लिए, और यहाँ पर ये इंजन ऑयल का कैप, यहाँ से हम इंजन ऑयल डाल सकते हैं, ठीक है, गाड़ी के अंदर। एंड यहाँ पर ये इग्निशन कॉइल्स हो गई 1, 2, 3, ठीक है। एंड ये टैपिट कवर हो गया, प्लास्टिक का टैपिट कवर है इसके अंदर भी। एंड यहाँ पर ये है अपना माफ एयर फ्लो सेंसर, ये इंटेक मैनिफोल्ड है। यहाँ पर ये छोटा सा थ्रोटल बॉडी एक्चुएटर लगा हुआ है, और यहाँ पर ये एक सेंसर लगा हुआ है, और ये गाड़ी का एयर फिल्टर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। एंड इसके बाद थोड़ा सा इधर चलते हैं, पहले बात कर लेते हैं इस साइड में क्या क्या है। यहाँ पर ये देखिए इंजन की माउंटिंग है, हाइड्रोलिक माउंटिंग इसके अंदर दिया हुआ नहीं है, नॉर्मल माउंटिंग है। एंड ये अपने पाइप हैं यार, ये छोटे छोटे, तो ये जो पाइप है ना फ्रेंड्स, ये पाइप आ रहा है फ्यूल के लिए यहाँ पर, ठीक है। वो देखिए नीचे इसमें इंजेक्टर दिखेंगे आपको, अगर दिख जाए तो एक मिनट रुको। अब देखिए ये यहाँ पर इंजेक्टर लगे हुए हैं, शायद अब दिखे, ये रहे इंजेक्टर्स है ना, एक वो दिखेगा आपको, दिख जाए तो एक ये रहा इंजेक्टर, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम है इसके अंदर, इस वजह से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, पर फिर भी जितना कोशिश हो सकता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर गाड़ी का अल्टरनेटर होता है, इंजन का अल्टरनेटर, उसके नीचे वाटर पम्प हो गया वो वाला, ठीक है। एंड यहाँ पर ये देखिए AC कंप्रेसर लगा हुआ है, ठीक है। एंड थोड़ा अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, इधर चलने के बाद हम देखेंगे नीचे है गियर बॉक्स गाड़ी का, बिल्कुल नीचे ही चलेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पर पीछे गियर रोड है, मैक्सिमम ओवरऑल वही है, बस थोड़ा सा क्या है एयर फिल्टर वगैरह चेंजेस हैं टर्बो पेट्रोल में। जो पुरानी इसकी गाड़ी जो अपना पेट्रोल इंजन है विदाउट टर्बो वाला, उसका मैक्सिमम सेम टू सेम ही है थोड़ा बहुत, उसकी वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है ना। एंड ये हीटर, ये जो पाइप हैं दोनों हीटर कोर के पाइप हैं, वहाँ जा रहे हैं, ठीक है, हीटर कोर में लगे हुए हैं। एंड इसके बाद देखिए ये गियर रोड्स हैं दोनों, तो गियर बॉक्स पे लगा हुआ है ये सारा, और ये माउंटिंग है गियर की, ठीक है, जिसके नीचे बैटरी है, ये बैटरी है ना, उसके नीचे गियर बॉक्स की माउंटिंग लगी हुई है। यहाँ पर सामने से देखो वो बोल्ट दिख रहा होगा आपको। एंड यहाँ पर ये है गाड़ी का गियर, सॉरी फ्यूज़ बॉक्स फ्रेंड्स, ठीक है। एंड अब फ्रंट से मैंने इसका बम्पर खुलवाया हुआ था तो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हेडलाइट लगी हुई होती है ना। एंड ये एक हॉर्न यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया, सामने AC कंडेंसर है। एंड ये देखिए फैन सराउंड इसका, ये यहाँ पर लगा हुआ है फैन मोटर, ऊपर से दिखा दूंगा वो
बीच में रेडिएटर हो गया और ये तीसरा हो गया एसी कंडेंसर, ठीक है। एंड यहाँ चल के देखिए, यहाँ से अच्छे से आपको दिखेगा, ये है फ्रंट इसमें गियर बॉक्स गाड़ी का, ठीक है ना। एंड वहाँ देखिए, वहाँ जो बीच में वो दिखाई दे रहा है उसका क्लच मास्टर सिलेंडर नहीं है, ये क्लच सिलेंडर है अंदर की तरफ। और कभी भी क्लच की ब्लीडिंग होती है तो ये जो इसमें पाइप ये दिख रहे हैं ना दोनों क्लिप, इनको ऊपर हल्का सा रिमूव किया जाता है, ब्रेक वाली ब्रेक क्लच फ्लूड यहीं से निकल जाता है और क्लच की ब्लीडिंग हो जाती है। कभी कभी क्या होता है क्लच पैडल बैठ जाता है या हम गाड़ी का क्लच ओवरऑल करते हैं तो। यहाँ पर देखिए, ये है गाड़ी का ECM, ठीक है। ये कनेक्टर देखिए, ठीक है, इस तरफ से देखो तो ऊपर से दिखा देता हूँ, यहाँ से देखिए ये रहा गाड़ी का ECM है। तो दोस्तों, मैक्सिमम इसमें चीज़ कवर हो गई है। और बहुत से लोग कहते हैं टर्बो एंड विदाउट टर्बो में क्या फ़र्क है, ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है, बहुत छोटा सा ही फ़र्क होता है। वैल्यूमेट्रिक इफ़िशेंसी को बढ़ाता है टर्बो, जिस गाड़ी में टर्बो होता है उसकी थोड़ी सी ताकत बढ़ा देता है। अच्छे से एक प्रॉपर वीडियो दूंगा मैं आपको टर्बो की वर्किंग क्या है और उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं गाड़ी के अंदर, ठीक है ना। एंड डीजल गाड़ी है, अभी पेट्रोल टर्बो है, डीजल होगी तो उसका भी मैं आपको दूंगा वीडियो बना के। यहाँ पर देखिए वाइपर बोतल है कैप, एंड इसके अंदर कैपेसिटी 2 से 3 लीटर होगी फ्यूल उसकी कैप की, वाइपर वाटर की, एंड ये अपनी वाइपर आर्म्स वगैरह हो गए। तो दोस्तों, यही था इसमें टर्बो के लिए। बहुत से लोगों ने बोला था टर्बो वाली गाड़ी का बनाओ सर, तो ये टर्बो लगा हुआ है, ठीक है, तो इस बारे में मैंने बता ही दिया, ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है। एंड मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच।